देखो एस्ट्रो वास्तु जो है वास्तु का कनेक्शन ही है, ठीक है ना। हेलो, आवाज नहीं आया तो बता देना तुरंत, है ना। हाँ जी ठीक हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो हमने अभी वास्तु का जो कोर्स आपको सिखाया है, जो आप लोगों ने सीखा है 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जो जोन्स होते हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, ये सब आप सीख चुके हो, है ना। तो जो ये कोर्स कर जी चुके हैं वो ही एस्ट्रो वास्तु कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में वास्तु का ही कॉम्बिनेशन है। अब वास्तु की नॉलेज आपको नहीं होगी तो एस्ट्रो कैसे सीखोगे, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई। अब दूसरा क्या है, अब इसमें क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन है तो एस्ट्रो भी आनी चाहिए इसमें, थोड़ी बहुत जो बेस है एस्ट्रोलॉजी का वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जो है हम पहले स्टार्टिंग करेंगे, आपके ये जो मैंने पीडीएफ भेजी है इसमें आपके सारे जो है बेसिक है, जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक होता है, उसके बाद जो हम वास्तु से कनेक्ट करेंगे वो दूसरी पीडीएफ है ना। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखिए कि इसमें आपका जैसे आपका ये आपका है, ये आपका देखते हैं, ये आपके हाउस है। सबसे पहले इसमें मैंने आपको हेडिंग डाल रखी है 12 भाव। हाँ ये जी जो आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हो, फर्स्ट हेडिंग में है 12 हाउस, 12 भाव, 12 घर, ठीक है। इसमें आपका क्या मतलब होता है, इसमें आपका ये होता है, इसमें आपका ये है कि जैसे आपका ये फर्स्ट हाउस है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना सब आपको। हाँ जी जी, तो ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में आपका जो है ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये इनके घर होते हैं। इन्हें हम भाव भी बोलते हैं, इन्हें हम भी बोलते हैं, इन्हें हम पर्सनल घर भी बोलते हैं। जी हाँ, जो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं इनसे हमें मतलब नहीं है। अभी हमने केवल आपको गाइड करने के लिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको केवल क्या माइंड में रखना है कि आपका ये पहला घर है। अरे बात हाँ है ना। तो अब जैसे आप येलो कलर का जो बॉक्स है कुंडली का, इसमें आपने देखा यहाँ पे 7 नंबर आ गया आपका, ठीक है। तो नंबर चेंज हो गया ना, नंबर जी चेंज हो गया, लेकिन ये जो बॉक्स है पहला वाला, पहला बॉक्स जो है ये आपका क्या है ना। तो वो राशि इस तरीके से जाती है, कौन सी राशि है। ये दो चीज तो आप कुंडली देखते ही हाथों हाथ बोल दो कि किसी भी बंदे को, ठीक है। अब मैंने आपको बताया भाव के बारे में, बताया कि ये भाव होते हैं। तो 12 भावों को हम थोड़ा अब डीपली सुनेंगे कि भाव होते क्या है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये पहला भाव है, तो पहले भाव का नीचे एट्रीब्यूट देखिए। पहला भाव आपका क्या है, आपकी जो है प्रकृति है, आपका स्वभाव, शरीर की बनावट, चेहरा व्यवहार, चरित्र, जीवन की शुरुआत, स्वास्थ्य, खुद की पर्सनैलिटी। इसको हम एक शॉर्ट वे में कह सकते हैं कि ये आपका जो है तन है, आप खुद हो, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। आपका बिहेव कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, वो सब यहीं से आएगा। ये मतलब आप हो बने बनाए पूरे। इस वाले पहले भाव में, इस पहले भाव में जो भी बैठा होगा ना ग्रह, ये ग्रह होते हैं, ये राहु है, शनि, ये सब ग्रह होते हैं। तो जो भी बैठा होगा और ये नंबर जो होगा उसका एट्रीब्यूट आपके ऊपर आएगा। जैसे ये 7 नंबर है, 7 नंबर मतलब क्या है, ये तुला लग्न की है। तो तुला लग्न के जो एट्रीब्यूट होंगे वो एक तो आपके अंदर आ गए, आपका नेचर ऐसा ही होता है कि उसके परिवार से बनती ही नहीं है, ठीक है। वो सब हम सेकेंड भाव से देखेंगे। और तीसरा क्या आ जाता है आपका, वाणी। वाणी से मतलब क्या है कि किसी की वाणी इतनी मीठी होती है कि वो जो है, जैसे एंकर होते हैं, जैसे वो होते हैं सिंगर होते हैं, वाणी बहुत मीठी होती है। और किसी की इतनी कर्कश होती है कि वो अपनी जीभ से ही बोल के सब काम करवा लेते हैं अपने, ठीक है ना। तो वाणी में ही रस है इंसान के। तो वो जो वाणी का जो असर है वो आपके सेकंड भाव से पता लगता है। अगर किसी को पैसे की कमी है, कोई कहता है कि भैया पैसा जो है, छोटे भाई बहन भी हो गए, आपकी मेहनत भी हो गई, अगर ये तीसरा घर हम एक्टिवेट ज्यादा कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि हमारी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसको आपको एक्टिवेट कम करते हैं, क्योंकि मेहनत ज्यादा करवाता है ये, रिजल्ट कम देता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कोशिश हम करेंगे 3 भाव, 3rd भाव को हम एक्टिवेट कम करें। इसके अलावा छोटी छोटी यात्राएं यदि कोई इंसान करता है या छोटी यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहीं से देखते हैं। तो वो 3rd भाव उच्च का हो, जैसे इसमें चंद्र लिखा हुआ है आपका इस वाली में,
अब ये चंद्र यदि उच्च का होता, उच्च नीच क्या होता है अभी आगे पता लगेगा आपको, अगर ये चंद्र यहाँ उच्च का होता तो ये आदमी हाथ से करने वाले काम परफेक्ट होता उसमें, ठीक है, उच्च का होता तो। और यदि ऐसा है कि किसी काम में मन नहीं लग रहा तो ये थर्ड भाव हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपके जो है छोटे भाई बहन आ जाते हैं इसमें, और आपके जो है पड़ोसी आते हैं, समाज में नहीं बन रहे किसी से, अब उसमें समाज में नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं, ईस्ट को चेक करते हैं, इसमें हम थर्ड भाव को चेक करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हाँ शारीरिक अंग दे रखा है इसमें, जैसे सेकंड वाले भाव में आपको बताना भूल गया, सेकंड में दे रखा है आपका ये सीधी आंख, मुंह, दांत और गला। अगर आपके राइट आई में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सेकंड भाव चेक करते हैं, मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दांतों में कोई दिक्कत हो रही है या गले में कोई दिक्कत हो रही है तो हम सेकंड भाव चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सब अभी आगे होगा, ये बेस है तो अभी ज्यादा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस पहले बेस समझ लीजिए, है ना। थर्ड भाव है, थर्ड भाव आपके कंधे हो गए, कंधे में कोई भी दिक्कत क्या चेक करेंगे, आपकी बेसिक एजुकेशन 10th तक की एजुकेशन मानी जाती है इसमें। जैसे कोई बंदा कहता है कि मेरी एजुकेशन खाली 10th तक की करी है, उसके बाद में नहीं कर पाया, तो चौथा भाव उसका डिसबैलेंस होगा, ठीक है। और स्टेप मदर भी आती है इसमें, ये ज्यादा एक्टिव होगा तो सौतेली माँ के भी चांस रहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर मकान का मैं निर्माण करना है तो उसके लिए चौथे भाव का कनेक्शन देखते हैं कि ये हमारा कनेक्शन अच्छे ग्रहों से होगा तो हम उस काम में उस टाइम में काम चालू करें। रियल एस्टेट बिजनेस भी आपका यहीं से होता है, ठीक है। और यदि तीसरे तीसरे और चौथे घर की दो चीजें मैं बताऊं, मैं आपको इन्हें आप नोट भी कर सकते हो, संग संग जो खास नोट्स हैं उन्हें आप नोट करते जाना। तीसरा घर जो है वो आपको यदि कोई जमीन बेचनी है उसके लिए हम तीसरे घर को एक्टिवेट करते हैं, और यदि हमें कोई जमीन हमें खरीदनी है तो हम चौथे घर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। किसी घर को चेक करना अगर जमीन बेचनी है। जमीन बेचनी है तो हम नहीं एक्टिवेट करते हैं, चेक भी करेंगे और एक्टिवेट भी करेंगे। तीसरे घर को हम एक्टिवेट करेंगे जमीन बेचने के लिए, कैसे एक्टिवेट करते हैं वो सब आगे प्रोसीजर है। तीसरे घर को हम जमीन बेचने के लिए देखते हैं और चौथे घर को हम जमीन खरीदने के लिए देखते हैं, ठीक है। और कोई इंसान कहता है कि मुझे जमीन खरीदनी है तो क्या मेरा जो है योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, कैसे ग्रह चल रहे हैं मेरे, तो हम तुरंत जमीन खरीदेंगे, चौथे भाव को देखेंगे कि चौथे भाव में कौन से ग्रह किससे मिले हुए हैं, तो वो योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, उसे नुकसान होगा होगा वो सब देखते हैं इसमें, है ना। आपकी बुद्धि, आपका अचानक से कोई धन लाभ होता है, जैसे किसी को कहते हैं कि जुआ का शौक होता है, उससे एकदम से किसी की लॉटरी लग जाती है बहुत बड़ी, तो पांचवें भाव से होती है। पांचवा भाव यदि स्ट्रांग होता है तो उसके निर्णय लेने की शक्ति भी बहुत स्ट्रांग होती है। कोई भी आपको खेल की एक्टिविटी है, कोई आपके शौक है, ठीक है, हीलिंग बॉडी भी है। हीलिंग बॉडी से मतलब क्या है कि हमें कोई बीमारी लगती है तो उस बीमारी को रिमूव करने के लिए हम पांचवे भाव को एक्टिवेट करते हैं, और इसके अलावा मनी फ्रॉम सिक और शेयर मार्केट। अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो अगर उसका पांचवा भाव स्ट्रांग होगा तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से उसे फायदा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आपका जो है पांचवा भाव हो गया, आपके जो है बुद्धि का, आपके जो है बच्चों का, अचानक से लाभ का, लव अफेयर भी देखा जाता है इससे। अगर ये हाई होता है इसका पांचवें भाव का, अगर सातवें भाव से कनेक्शन हो जाता है, सातवां भाव क्या है, ये वाला सातवां भाव है, अगर इस पांचवे का और ये सातवां, ये दोनों यदि कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में, कैसे कनेक्ट होंगे आगे पता लग जाएगा, तो लव अफेयर के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा ये संतान का है तो पहली संतान यहां से देखी जाती है, ठीक है, समझ आ रही है। इसके बाद शारीरिक अंग, बॉडी पार्ट्स क्या है इसमें, बॉडी पार्ट अंग भी, जैसे आपके महावास्तु में हमने बता रखा है कि ESE और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, तीन डायरेक्शन बता रखी हैं कि जिनको हम बच के चलते हैं उन डायरेक्शन से, ठीक है, कि उन डायरेक्शन को हम कोई अपना जो वैल्यूबल आइटम्स नहीं रखना, उससे बच के रहना है। ऐसे ही ये छह
इसमें भी तीन डायरेक्शंस हैं, ये आपका ये छठा भाव हो गया, एक ये आठवां भाव हो गया और एक ये बारहवां भाव हो गया। ये तीन भाव जो है इसमें ये टिक काम करते हैं, ठीक है, इनको हमें, ठीक है, कर्जा होता है किसी का, लोन होता है, आदमी का जीवन कर्जे में ही निकलता जा रहा है, लंबी बीमारी है तो वो सब किससे है, नौकरी, नौकरी भी देखते हैं यहाँ से, अगर किसी का जो है ये है कि नौकरी लग रही है कि नहीं लग रही, वो भी हम यहाँ से देखते हैं, नौकरी में अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ से देखते हैं। और इसके अलावा ये नाना का घर और मामा का घर भी होता है, और इसके अलावा शत्रु दुश्मन और बीमारियों में हम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो छठा भाव आपका अलर्ट होगा, किडनी में तो आपका ये इसका है पति पत्नी का, आपके यदि जो लाइफ पार्टनर जिसे कहते हैं उनके मैरिज का, लाइफ पार्टनर की मैरिज कैसे हो रही है, वो कहते हैं कि हमारी शादी का योग कब बन रहा है, शादी होगी कब होगी, ये है ना, या पति आ रहे हैं हमारे, वास्तु का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे तो हम सातवें भाव को चेक करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका डेली वेजेस का है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रतिदिन की आमदनी, डेली वेजेस की जो इनकम होती है वो भी हमारी सातवें भाव से ही होती है, ठीक है। तो अगर हमारी डेली वेजेस की इनकम नहीं हो पा रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम सातवें भाव को देखेंगे। इसके अलावा जो है आपका जो है दूसरा बच्चा, मैंने बताया दूसरा बच्चा ये इंडिकेशन होता है आपका, और जीवन साथी ये आपकी, ये था सॉरी, ये आपका आठवां भाव, यहाँ पे आपका राहु लिखा हुआ है गुरु की जगह, ठीक है। अगर यहाँ पे राहु लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि आपको, आपके ऊपर कोई इंसान जादू टोना करवा सकता है, तांत्रिक क्रिया करवा सकता है, जब ये इसके आठवें भाव की जब दशांतर दशा आएगी उस कंडीशन में आपके ऊपर जादू टोना कोई इंसान करेगा 100%। और सॉरी, यदि यहाँ पे केतु लिखा होगा तो आप करवाओगे, आप इन चीजों में गुस्से पड़े होंगे, ठीक है। अब उसको पॉजिटिव रूप में कैसे देख सकते हैं, केतु का मतलब क्या होता है, ऑकल साइंस भी होता है, एस्ट्रोलॉजी भी होता है, मोक्ष भी होता है, तो वो उस दिमाग को यदि वो दूसरी जगह लगा लेगा तो वो केतु पॉजिटिव हो जाएगा। राहु केतु कोई गलत ग्रह नहीं है, वो इंसान ही उन्हें बनाता है, राहु का काम क्या है, हर चीज को चेंज करना, बदलाव करना, और वो बदलाव अपने माइंड में आप किस तरीके से कर रहे हो ये आपके ऊपर है,